महसवड़ थाना क्षेत्र के गांव लोनार खिड़की के किसान कुंडलिक खाड़कर ने अपनी मकवाना की फसल में 1 करोड़ रुपए के भांग गांजा के पौधे लगाए थे। सूचना मिलने पर सतारा लोकल क्राइम ब्रांच ने रात 9:30 बजे के तकरीबन छापेमारी की और इन गांजे के पौधों को जब्त किया। इस घटना के बाद जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि सूखे क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाला महसवड़ क्षेत्र, इसमें भांग गांजे की खेती लंबे समय से होती आ रही है और यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। सतारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने पिछले 6 महीनों में मसहबाड़ा थाना क्षेत्र में यह तीसरा ऑपरेशन चलाया है। तेरा तारखेला तालुका मान पोलीस स्टेशन मसोळ या ठिकाणी लोणार खडकी या गावात एका इसमांनी गांजेंची शेती लावलेली होती अशी माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सातारा पोलिसांची टीम त्या ठिकाणी दाखल झाली। दाखल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सगळ्या सदर जागेचा पाहणी केली आणि पाहणी केल्यानंतर त्या ठिकाणी जो व्यक्ती आहे या शेतीच्या मागे जो होता त्याला ताब्यात घेण्यात आला। लगेच याच्यामध्ये कारवाई करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये NDPS कायदेखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे।